मेरठ के मोदीपुरम में पीएम की रैली, बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के लिए मांगे वोट सीएम योगी, जयंत चौधरी मौजूद थे। मेरा मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया, कथाचिव द्वीप श्रीलंका को सौंपा। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया, कहा अभी तो आपने विकास का सिर्फ ट्रेलर ही देखा। 2014 के बाद पीएम ने देश की तस्वीर बदली, किसानों को सम्मान दिया, सीएम योगी का बयान। सीएम योगी बोले कांग्रेस राज में मेरठ ने दंगा पॉलिसी को झेला, इस बार चुनाव माफिया राज बनाम कानून राज का है। मेरठ की रैली में बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी, मोदी सरकार में किसान गरीब युवाओं को मिल रही है प्राथमिकता। कछात्यू द्वीप मामले पर कांग्रेस चीफ खड़गे का सवाल, पीएम बताएं पिछले 10 साल में कछात्यू द्वीप वापस लाने के लिए क्या किया। 4 अप्रैल को बिहार जाएंगे बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी, जमुई और कूच बिहार में करेंगे जनसभा। 6 अप्रैल को सहारनपुर, 9 अप्रैल को पीलीभीत, 16 अप्रैल को मुरादाबाद में रैली कर सकते हैं मोदी। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली, विपक्षी नेताओं पार्टियों पर एक्शन का विरोध। सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता रैली में हुए शामिल, मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता के बगल में बैठी दिखी सोनिया। रैली में सुनीता ने पति केजरीवाल का पढ़ा संदेश, कहा कुछ लोग भारत से नफरत करते हैं, भारत में आज दुखी हैं, दर्द में हैं। सुनीता ने पति केजरीवाल की इंडिया अलायंस की तरफ से 6 गारंटियों को बताया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने का भी वादा किया। सुनीता ने अरविंद केजरीवाल को बताया शेर, कहा जेल में ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे वो सच्चे देशभक्त। देश का लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाहों से संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, लोकतंत्र पर हमला, हमें लोकतंत्र को बचाना है, शरद पवार का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहर, कहा चुनाव में इन्हें मौका देने की जरूरत नहीं, इन्होंने देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा वो संविधान को मिटाना चाहती है, संविधान गया तो आरक्षण क्या। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप, कहा वो मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव से पहले हमारे 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट किया। राहुल गांधी ने खाते को फ्रीज करने का भी मुद्दा उठाया, हमें चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश, आवाज को दबा नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को भगवान राम का संदेश याद दिलाया, कहा सत्ता हमेशा नहीं रहती, अहंकार चूर चूर होता है। प्रियंका गांधी की मांग, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तुरंत रिहाई हो, बीजेपी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जाँच हो। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार, कहा हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली वाले बाहर जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी बताया, पूछा केजरीवाल से बीजेपी डरती क्यों है। देश में आज अघोषित इमरजेंसी है, देश को बांटने की हो रही है कोशिश, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का आरोप। शेरों को ही पिंजरे में डाला जाता है, इंडिया अलायंस के नेता गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं, तेजस्वी यादव की 2 टूक। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की गारंटी को चीनी सामान बताया, कहा मोदी सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने गाने के माध्यम से पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रैली में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने दिया सलाह, कहा जेल में बंद नेताओं को बाहर निकालने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, न कोई वकील न कोई अपील, सीधे जेल हो रही, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी रैली को किया संबोधित, बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का आरोप लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा देश में तानाशाही ताकतें बढ़ रही, हक चाहिए तो इंडी गठबंधन के साथ आइए, इंडिया अलायंस एकजुट है, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ है, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बयान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा, उद्धव ने अब की बार बीजेपी तड़ी पार का लगाया नारा। उद्धव ठाकरे बोले हिम्मत से लड़ रही हैं सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, पूरा देश सुनीता और कल्पना के साथ है। सीपीआई नेता डी राजा का बयान, इंडिया अलायंस देश और संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हराने के लिए एकजुट है, भारत की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा हुई, तानाशाही ताकतों को हराएगी, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को उम्मीद। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन का बयान, टीएमसी इंडिया अलायंस के साथ है, आज लड़ाई बीजेपी बनाम डेमोक्रेसी है, देश देख रहा है मोदी सरकार कैसे चुनाव लड़ रही, लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं, सीपीआईएम लीडर दीपांकर भट्टाचार्य का बयान। रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, तख्तियों पर मोदी की गारंटी का जिक्र कर लिखा यंधा कानून है। पंजाब के मंत्री और आप नेता बलबीर सिंह का बयान, भ्रष्ट लोग भाजपा में शामिल हो रहे, ईमानदार लोग जेल में हैं। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले हम तानाशाही को खत्म करेंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे। रैली से पहले बोले उद्धव ठाकरे, चुनावी बॉन्ड का मामला सामने आने से बीजेपी का चेहरा उजागर, भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा, कहा लुटेरों के साथ है कांग्रेस क्योंकि उसने भी देश को लूटा है।
इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली थी। इंडिया अलायंस की रैली का एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, भारत कैसे लूटा जाए, बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का बयान। केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, उनकी जगह जेल में ही है, यही पीएम मोदी की गारंटी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, तानाशाही शासन के उदय की पहचान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। बंगाल के कृष्णानगर में सीएम ममता की रैली, उन्होंने कहा कि मैंने बनाया एनडीए गठबंधन, चुनाव बाद मैं फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा बंगाल में कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चुनौती, कहा बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। रैली में ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के लिए मांगे वोट, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलती है महुआ, इसीलिए उन पर कार्रवाई हुई। ईडी के समन पर बोली महुआ मोइत्रा, देश और कृष्णानगर की जनता सब देख रही है, ईडी की कार्रवाई से मेरा वोट बैंक बढ़ता है। वर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी कैंडिडेट कीर्ति आजाद का आरोप, बीजेपी बंगाल के साथ नाइंसाफी कर रही। आसनसोल से टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बीजेपी पोलराइजेशन की कर रही है कोशिश, हमें रहना होगा सावधान। बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान, ममता बनर्जी पहले अपनी पार्टी को देखें, ममता ने बीजेपी को 200 सीट जीतने का दिया है चैलेंज। कल होगी बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, बीजेपी ने लोगों के मांगे हैं सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीकर में किया रोड शो, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया, दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा। नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने किया रोड शो, नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं गडकरी। नितिन गडकरी ने आरोपों का किया खंडन, कहा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिन्हें आपत्ति है कोर्ट जाएं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, सीएम मोहन यादव का बयान। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटी है, मान सरकार ने कई वादे पूरे नहीं किए, बीजेपी सांसद सुशील कुमार रिंकू का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने कुशीनगर से एसएन चौहान को बनाया प्रत्याशी, इंडिया अलायंस से समर्थन देने की अपील की। यूपी में एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ, गठबंधन का नाम पीडीएम रखा गया। अखिलेश की पीडीए पर पल्लवी पटेल ने कसा तंज, कहा ए को लेकर है कंफ्यूजन, इसीलिए हमने एम को जोड़ा है। पल्लवी पटेल के साथ मिलकर लंबी लड़ाई लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के कार्यक्रम में तोड़फोड़ पत्थरबाजी, बालियान ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए के आयकर नोटिस पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, कांग्रेस को खत्म करने की है प्लानिंग। कांग्रेस ने यूपी में कैंपेन के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की, राहुल सोनिया प्रियंका समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, का साजिश के तहत लालू ने कांग्रेस को कमजोर सीटें दी। समस्तीपुर में बोले बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, बेटी सांभवी को एलजेपी से टिकट दिलाने में मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन उसको जिताने में योगदान करेंगे। हैदराबाद में कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायक कादियाम श्रीहरी, उनकी बेटी कादियाम काव्या भी शामिल। चेन्नई में मॉर्निंग वॉक पर सीएम स्टालिन ने किया प्रचार, इरोड से डीएमके कैंडिडेट प्रकाश के लिए मांगे वोट। कांग्रेस नेता जीके शिवकुमार बोले नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व से और मजबूत होगा लोकतंत्र, कर्नाटक में 6 महिलाओं को दिया है टिकट। लोकसभा चुनावों से पहले ओडिशा में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व विधायक सुकांत नायक ने ज्वाइन की बीजेडी। पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न अवार्ड, प्रेसिडेंट मुर्मू ने घर जाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी ने ईस्टर पर दी शुभकामनाएं, कहा यह दिन सभी को एकता और शांति का देता है संदेश। सीयूईटी यूजी की आवेदन तारीख दूसरी बार बढ़ाई गई, 5 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला। हरियाणा के गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पर ईडी का एक्शन, 17 करोड़ 82 लाख की चल और अचल संपत्ति अटैच की। संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई का एक्शन, शेख शाहजहां के भाई आलमगीर को बशीरहाट कोर्ट में किया गया पेश। ईडी की पूछताछ पर बोले दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया, सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी पर एक और पोस्ट, लिखा नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी पर तक ऐतराज है। अपराधियों पर एक्शन से अखिलेश यादव विचलित क्यों हो जाते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सवाल। गाजीपुर में अफजाल अंसारी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई मुख्तार की मौत पर जताई संवेदना। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, मुख्तार अंसारी की सरकारी तंत्र ने की हत्या, यूपी में कानून का मजाक बना रही है सरकार। देहरादून के जौली ग्रांट में पुलिस कांस्टेबल्स की पीओपी एडीजी अमित सिन्हा ने ली सलामी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी कार, 2 की मौत 10 जख्मी। पंजाब के तरन तारण में बॉर्डर से सटे गांव से एक ड्रोन हुआ बरामद, बीएसएफ ने चीन में ड्रोन को किया जब्त। ठाणे के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान खाक।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली कैंप पर पुलिस का एक्शन, मौके से आईडी बम किए गए बरामद। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, NH44 पर ट्रैफिक हुआ प्रभावित। असम के गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान के साथ हुई बारिश, कई घरों को नुकसान। बंगाल के जलपाईगुड़ी में काल बैसाखी तूफान का कहर, करीब 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। सनराइजर्स हैदराबाद को गुजरात टाइटंस ने दी मात, अहमदाबाद में 7 विकेट से जीत हासिल की। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने खेली शानदार पारी, गेंदबाजी में मोहित शर्मा ने 3 विकेट झटके। सलीमा टेटे ने महिला वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का जीता खिताब। हार्दिक सिंह पुरुष वर्ग में बने प्लेयर ऑफ द ईयर। प्याश त्रिजेश बने हॉकी इंडिया गोलकीपर ऑफ द ईयर। कप्तान हरमनप्रीत सिंह बने डिफेंडर ऑफ द ईयर।